यश अपने पटाखों से खेलता हुआ। इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते बेटे। अरे क्या कर रहे, गालों पे पटाखे फोड़ रहे हैं। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 8 बजे हैं। अभी सोकर उठा हूँ क्योंकि आज यश की छुट्टी है, तो यश तो अभी तक सोया हुआ है। ये देखिए, आज दिवाली के शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना, यश के लिए थोड़े से पॉपअप खरीदेंगे, मिठाइयाँ लेनी है थोड़ी सी। मिठाइयाँ लोगे या घर पर ही बनाओगे? मिठाइयाँ घर पर ही बनाएंगे क्योंकि बाहर की मिठाई हम थोड़ा कम खाते हैं, और यश की बुआ के घर जाना है दिवाली देने के लिए। इसके बाद देखते हैं और क्या करना है, आपको साथ रखेंगे। राधा घर की सफाई कर रही है, अभी सफाई चल रही है यहाँ पर। इसके बाद चाय नाश्ता होगा, यश को जगाया जाएगा। अभी इसको सोने देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता है, तो आज मौका है इसे सोने का। छुट्टी वाले दिन ही सोने को मिलता है। मैं भी थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूँ। मौसम साफ है बिल्कुल। यश उठ चुका है देखिए, और परेशान करना शुरू कर दिया इसने अपनी मम्मी को। और ये ऐसे नहीं करो बेटे, गिर जाएगी मम्मी। अरे तंग नहीं कर। अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मैं गिर जाऊंगी। बैठ जाओ थोड़ी हाँ देर बच्चे के पास, अभी बैठा उठाए। बैठा करने देंगे तो बैठने में फिर आना। करो, तुझसे मैं टीवी देखूंगा। टीवी नहीं देखना, अरे अभी उठो, चलो बुआ के घर भी चलना है। ज्यादा से इधर जाओ, नहा आओ, कर आओ, उठो। अभी नहीं जाना, पहले उठ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। चलो उठो, उठते ही टीवी देखना शुरू कर दिया है। क्या चल जा रहा है टीवी में? हट जाओ बेटे। तो इसको तैयार अम्मा। करते हैं, फिर चलेंगे बुआ के घर। तो राधा जी लगी हैं अपने किचन के कामों में, आटा गूंथ रही हैं, और यशवर्धन भी नहा लिया है। नहाने के बाद फिर से इसने टीवी देखना शुरू कर दिया है। टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौकीन है, इतना टीवी नहीं देखना चाहिए बेटे। क्या देखते रहते हो पूरा दिन टीवी में? यश और मैं तैयार हो चुके हैं, इसकी मम्मी भी तैयार हैं। अब हम चलते हैं बुआ के घर। तो आज मैं गोदी लेके चलूंगा। आ जा मेरा बच्चा, आज ये मेरी गोदी में चलो। आए मोटे, आए आज ये मेरी गोदी में जाएगा। शर्म आ गया, शर्म आ गया। तो ये राधा जी बिल्कुल तैयार हैं देखिए चलने के लिए। इन्होंने चाबी भी उठा ली है ताला लगाने के लिए। मार्केट जाना है तो एटीएम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। अब चलते हैं मार्केट। तो ये हम एक सुपर स्टोर में पहुंच गए हैं, यहाँ से बुआ के लिए गिफ्ट लेंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परचेज करें। यशवर्धन देखिए क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है इन गिफ्ट पैक्स में सिर्फ डब्बे का साइज़ बड़ा होता है, अंदर कुछ निकलता नहीं है। तो यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लें। देखिए कितने बड़े बड़े बॉक्सेज हैं, लेकिन अंदर इसमें से मैंने देखा है कुछ ज़्यादा बड़ा बॉक्स निकलता नहीं है। तो दूसरी मार्केट चलते हैं जहाँ हमें कुछ और मिल सके। यशवर्धन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। रास्ते में यहाँ पक्षियों को खाना डालने के लिए हम रुक गए हैं। पक्षी क्योंकि राधा जी खाना डालने गई तो सब उड़ गए हैं, देखिए सब आसमान में नज़र आ रहे हैं। अभी जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो पक्षी वापस आ जाएंगे खाना खाने के लिए। आज रोड पर ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। आम दिनों में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि दिवाली है तो सभी लोग शायद बाहर निकले हुए हैं। तो हम भी चलते हैं बाजार की तरफ। यहाँ से बाजार शुरू हो गया।
देखिए बाजार के शुरुआत में ही कितनी भीड़ नजर आ रही है। अभी अंदर चले तो यहाँ बाइक से चलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बाइक को कहीं खड़ा कर देते हैं फिर पैदल ही घूमेंगे। तो बाइक को हमने खड़ा कर दिया है, अब हम पैदल जा रहे हैं। देखिए बाजार का क्या हाल है, यहाँ पैदल चलना भी मुझे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके बाजार में आ जाते हैं। और सही बताऊँ तो इन गाड़ियों की वजह से ही जाम लगता है। पटाखे तो हमें इस बार कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन पॉप पॉप हमें कई जगह दिखे। और यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए दिवाली के बंदूक, राधा जी को ये फ्लावर पॉट्स पसंद आए हैं तो ये खरीदना चाह रही हैं, इन्हें छोटे छोटे से फ्लावर पॉट्स हैं। और इन्होंने इन्हें खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमें दिए नजर आए तो दिए भी खरीदने हैं। ये इन्हें 15 रुपये दर्जन, 20 रुपये दर्जन बता रहे हैं, जो कि बहुत महंगे हैं। आमतौर पर 10 रुपये दर्जन मिल जाते हैं, तो यहाँ से हमने दिए नहीं लिए। यहाँ यश के लिए बंदूकें हैं तो इसे पसंद नहीं आई। ये भैया ये कितने की है? 80 रुपये की बता रहे हैं, लेकिन यश को शायद पसंद नहीं है तो यहाँ से हमने बंदूक नहीं ली। आगे चलते हैं, यहाँ दिवाली की लड़ियाँ, देखिए कितनी तरह की लड़ियाँ हैं। पर ये छोटी छोटी लड़ियाँ नहीं, हमें एक लंबी सी लड़ी चाहिए कि एक ही लड़ी से सारा काम हो जाए। और ये झालर, भैया कितने की है ये? 50 रुपये की दो बता रहे हैं, तो राधा जी ने दो ले ली हैं। अब चलते हैं अपनी बाइक पर। बाइक देखिए हमें कहाँ खड़ी करनी पड़ी है, बिल्कुल कूड़े में, क्योंकि जगह नहीं थी कहीं भी। अब चलते हैं बुआ के घर। बुआ के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ देखिए यश कितना शर्मा रहा है, ये बुआ का बेटा खेल रहा है। चल बुआ को नमस्ते कर ले। यश की बुआ के यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है, तो अब घर चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं घर। चलो तो यश ये देखिए कितने सारे पॉपअप्स लेकर आया है। और ये इसकी गन, अरे कोई नजर नहीं लगती, दिखाओ बेटा दिखाओ। अरे ये इसको पॉपअप्स मिले हैं, कुछ इसको बुआ ने दिए हैं, कुछ पापा ने दिलाए हैं। और ये इसकी गन जिसके पटाखे इसके पास अभी तक नहीं है, इसकी मम्मी ये सजाने के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आई है। और ये देखिए ये बेल, इसमें वो होल्डर लगा के कुछ लग सकता है, पिघल जाएगी। ये इसकी मम्मी ये घंटियां सी लाई है, मैंने बाजार में भी आपको दिखाई थी। पापा इसे जगह करो, 1 2 3 4। ये छोटी सी शॉपिंग की है हमने, बुआ के घर दिवाली देकर आ गए हैं। 8 9 10। कैसा लगा बेबी आज? मजा सा आ गया। आर यू हैप्पी? नो। तो यश अपने पटाखों से खेलता हुआ, इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते बेटे। अरे क्या कर रहे, गालों पे पटाखे फोड़ेंगे, अरे क्या खुश हो रहा है। चल बस कर ये पटाखे। पापा ये वाला चलेगा? हाँ चलेगा, वो गन में चलेगा। और राधा ने क्या शुरू किया है किचन में, देखें जरा। राधा ने किचन में अपने ये फ्लावर्स सजाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। मम्मी, मम्मी पे फायर नहीं कर रहे, तो हम ये लड़ियां भी लाए हैं, लड़ियां लगाते हैं अभी घर में। एक ही लड़ी काफी है, छोटा सा घर है तो एक ही लड़ी को लगा लेते हैं। चलिए लड़ी लगाते हैं।
तो ये हमने लड़ियां लगा ली हैं, अभी जलाकर दिखाऊंगा आपको। अभी क्या पता चलेगा, रात को जलाना। चीयर्स हो गया ना। और यहाँ यश और तविश ने पॉप पॉप से खेलना शुरू कर दिया है। ये खेल कम रहे हैं और उन्हें ढूंढ ज्यादा रहे हैं। जो नहीं फटता उसे ढूंढ के दोबारा से फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरा हो गया है, अब देखिए लड़ियां जलाने पर कैसी दिख रही हैं। और ये दोनों शैतान अभी भी खेलने में लगे हुए हैं। तो लड़ियां लगाने के बाद हमारा घर कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये दोनों शैतानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रात हो गई लेकिन मान नहीं रहे हैं। देखिए बाजार में घूमकर और ये पटाखों से खेलते खेलते ये शोरदम बहुत जल्दी थक गया है। देखिए ये 9 बजे ही सो गया है, इसे आज जल्दी नींद आ गई है। और मौसम बदल गया है तो चादर ओढ़कर सो रहा है। इसकी मम्मी अभी भी किचन में काम कर रही हैं। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।